যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি, আমরা নয়, সাইকেলটা ওখানে থাকবে, একা কাঁদবে, চলে যাচ্ছি, চলো টাটা। फिर मैं निकल गया अपने सफर में हिमाचल के पहाड़ों से, बस में अकेले। बस काफी स्पीड से जा रही थी पहाड़ों से, मतलब ऐसे कि तुम नीचे देख सकते हो खाई को इतने साइड से। तो वैसे मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक दुख था, अकेले जा रहा था मैं, और साथ में मेरे दिमाग में चल रहा था एक टेंशन कि मुझे ट्रेन का टिकट कन्फर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो मैं फिर से वापस चला जाता। मैं टाइम से बहुत पहले ही पहुंच गया था, इसलिए मैं वेटिंग रूम में वेट कर रहा था। दोस्तों, बहुत देर तक बाहर पकने के बाद मैं अंदर जाके रेस्ट करने के लिए चला गया, और मेरा सीट नीचे था, लेकिन एक भाई साहब थे वहाँ पे जिन्होंने कहा भाई तुम ऊपर चले जाओ प्लीज। दोस्तों, रात के 2 बजे पता चलता है कि मैंने जिसको सीट दिया था, मतलब एक औरत थी, बूढ़ी औरत, उन्होंने मुझसे सीट मांगा कि मेरा 35 है और बेटा तुम्हारा 33 है, नीचे है, मेरा सीट तुम ले लो, अपना सीट मुझे दे दो। तो मैंने उनको सीट दे दिया, वो बुजुर्ग थे इसके, तो अभी पता चल रहा है कि उनका सीट ही नहीं था, उनका तो कोई सीट था ही नहीं यार। कोई और बंदा आके रात को 2 बजे मुझे उठा रहा है कि भाई मेरा सीट भाई हो गया मेरे साथ। तो सभी लोग आराम से सो रहे थे, जिन लोगों ने मेरा सीट लिया था उनके बाकी फैमिली वाले भी आराम से सो रहे थे, बस मैं जगा हुआ था। वो भाई साहब भी सो गए आके, बट मैं गाना सुन रहा था, और ये वाला गाना मुझे पसंद है, ये एक पुराना गाना है। दूसरे दिन भाई साहब ने मुझे ऊपर भेज दिया, क्योंकि उनको ऊपर बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था। दोस्तों, ये है लखनऊ स्टेशन। लखनऊ स्टेशन में हम पहुंच गए थे अगले दिन सुबह इन लोगों के हल्ला ने ही मुझे उठा दिया। वैसे मुझे उठना था 7 बजे, लेकिन इन लोगों ने मुझे 7 बजे से पहले ही उठा दिया था। मैंने अलार्म भी गया था, लेकिन वो बेकार हो गया, तो मैंने उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये था भाई हमारा 3रा दिन, मतलब आज जब हम घर पहुंचने वाले थे तो सब लोग ट्रेन में जब खाली कर रहे थे, तो ये जो रेलवे की स्टाफ बने बैठे है भाई, ये लोग आके ऊपर चले गए, ऊपर जाके सोने लगे। यार वैसे ट्रेन का स्पीड पता नहीं चल रहा था, लेकिन इस वीडियो में मैंने स्टेशन में देखा कि ट्रेन का स्पीड सच में बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, हम लोग गनकुनी जंक्शन पे आ चुके हैं और अभी जल्दी पहुंच जाएंगे। ये वाला ट्रेन बहुत ही मस्त लग रहा था भैया। बारिश हो रहा है और बाहर ये कौन सा वाला ब्रिज है, मस्त 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 मस्त, ये कौन सी वाली जगह है यार, पता नहीं अभी हम कहाँ पे। वो देखो साइकिलिंग, ये वही जगह है, पता नहीं। ओ भाई वो सियालदा जा रहा है, वो सियालदा जा रहा है, मुझे सियालदा ही जाना था भाई, मुझे कोलकाता नहीं जाना है, मुझे सियालदा जाना है यार। उस ट्रेन में चढ़ जाता तो अच्छा था। मैंने यहाँ पे बैग बांध लिया था, अभी इसको खोल लेते हैं, क्योंकि हम पहुँच जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये हमने खोल लिया, ये है दमदम स्टेशन। मैं यहाँ पे उतर सकता हूँ और इधर से ट्रेन पकड़ के सियालदा जा सकता हूँ, पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मेरे पास टिकट भी नहीं है अभी, ठीक है, मतलब टिकट नहीं है, मतलब सियालदा जाने के लिए दमदम से। तो ये ट्रेन खड़ा है, ये ट्रेन उस साइड जा रहा है, सियालदा जाने का ट्रेन इधर पे ही आता है, और क्या रहने दो, मैं सियालदा चला जाऊँगा विधाननगर में। क्रिकेट खेला जिस होते रेल लाइन धाड़े, रेल लाइन माच के क्रिकेट खेला। कोलकाता आ गए हम लोग, कोलकाता स्टेशन। चलो मैं अकेला, चलो मेरा स्वागत है कोलकाता स्टेशन में, घर वापस आ गया। अभी बहुत लोग उतरे ट्रेन से बाहर, अभी गर्मी लग रही है क्योंकि अंदर से एसी से निकला हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। चलो तो बाय बाय, यहाँ पकड़ने के लिए लोग रेडी है, मतलब टैक्सी वाले, लेकिन हम नहीं जाएंगे। देखो ये है कोलकाता स्टेशन, ठीक है, ये है कोलकाता इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, और इधर से एक रोड मिलेगा आपको, इधर भी एक रोड है, लेकिन इधर से आपको जाना है, इधर से थोड़ा सा जाना है और सीधा जाते जाना है इसी रोड से। तो ऐसे ही सीधा आते रहोगे उस रोड से तो पहुंच जाओगे, ऊपर दिखेगा आपको स्टेशन, स्टेशन नहीं बट रेलवे ट्रैक दिखेगा, और उससे सीढ़ी है, सीढ़ी लेना पड़ेगा, दिखाता हूँ उनको। तो ये देखो, ये है सीढ़ी, और इधर से ऐसे प्लेटफॉर्म, नहीं प्लेटफॉर्म दिखा जा रही है, देखो ये है विधाननगर, और यहाँ से जाने के लिए सबसे पहले रेलवे ट्रैक चेक करना दोनों तरफ,
उसके बाद ही जाना, नहीं तो कब तुम होश से थे हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। दोनों तरफ देख लो भैया, कहता मैं आके बस टिकट काउंटर में खड़े होके मैं पूरा भीग गया भाई, अंदर से तो भीग गया हूँ, ये अंदर मैंने वो बनियान पहना है इसलिए भीगा नहीं, बट बाहर भी भीग गया, देख सकते कितनी ज्यादा भीग गया था मैं। हमने और आसिफ भाई बस मिले के बाद, बहुत दिनों के बाद, मतलब आसिफ मुझे लेने आया 20 दिन के बाद। भाई लोग शल्ला को छोड़ के हम जा रहे हैं अभी घर की तरफ। घर आके सबसे लास्ट में मैं किसी से मिला हूँ, लेकिन लास्ट के पहले जो मिला मैं इससे मिला। हाथ से नहीं गिरे हाथ से नहीं गिरे आवाज दाद बंद कर अभी तक मैंने साइकिल को हाथ नहीं लगाया, अभी देखते हैं क्या है कैसा है। तो भाई सबसे पहले ब्रेक दबा के, अरे भाई ब्रेक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ हाइड्रोलिक्स का। अरे यार इसमें तो भाई ऑयल का कोई इशू नहीं हुआ, बस थोड़ा सा गंदा हो गया है, धूल ही लगा है, और थोड़ा सा देखो बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सा। तो गाइस हर जगह पे डर्ट ही डर्ट है, तो पहले मैं इसको साफ़ करूँगा कल, उसके बाद मुझे अभी करने का दिल कर रहा था साफ़, बट अभी नहीं करूँगा, मैं कल ही करूँगा यार। हाँ मुझे इससे बहुत ही प्यार है, बट फिर भी आज नहीं कल करूँगा, और इसको भी कर लूँगा कल ही, ये ज़्यादा ही गंदा हो गया और इस पर तो डस्ट भी लग चुका है यहाँ पे। तो मुझे एक WD-40 ख़रीदना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो इस पर भी लग जाएगा जल्दी डस्ट। देखता हूँ यहाँ पे मिट्टी लगा है, यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं ना। नहीं भाई ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बढ़िया मटेरियल का है, इस पर कुछ नहीं होता क्योंकि मैंने इस पर पानी नहीं डाला है, आपको पता ही होगा मैंने इस पर अभी तक पानी नहीं डाला है। इसके चेन देख के पता चल जाएगा यार, चेन में भी ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। अरे यार चेन तो बढ़िया है और ज़्यादा जाम भी नहीं हुआ, मतलब ये आराम से चल जाएगा, मिट्टी निकल रहा है देख सकते हो भाई। कैसेट में भी थोड़ा सा रस्ट लग चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ WD-40 खरीदूंगा, देख सकते हो यहाँ पे रस्ट दिख रहा होगा। और इसका क्या ही बोलूँ, इसका तो पूरा रस्ट ही रस्ट है, इसमें भी डालना पड़ेगा। दोस्तों अभी इसके गियर को शिफ्ट करके देखेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो ये शिफ्ट किया, रिकॉर्ड शिफ्ट किया, अब डाउन शिफ्ट करेंगे। और सब कुछ बिल्कुल ओके है, हाँ ओके ही है, ओके है ना। पता नहीं ये कौन से वाले पे हैं अभी, हाँ थोड़ा सा तो इशू होगा, ब्रेक भी ओके ही है। स्ट्रॉम का भी चेक कर लिया हमने, सब कुछ ओके ही है, और अगर पीछे का ठीक है तो सामने का ठीक ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पीछे का तो थोड़ा सा खराब हो सकता है लेकिन आगे का आसानी से खराब नहीं होता, वो आएगा ठीक ही होगा। और मैंने सस्पेंशन एक बार दबा के देख लिया था कि कैसा है अभी, और थोड़ा सा उसमें से डस्ट निकला है, वो मैं कल साफ करूंगा। और इसके जो ब्रेक्स है वो भी मैंने दबा के देख लिए है, ब्रेक्स भी बिल्कुल ओके है। और मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ऑयल का प्रॉब्लम होगा, मतलब बहुत दिनों के बाद जब हाइड्रोलिक ब्रेक को दबाया जाता है तो वो लूज पड़ जाता है, तो मैंने देखा कि ब्रेक्स बिल्कुल ओके ही है, क्योंकि हमारा स्क्रीडस्ट्रॉम बढ़िया है यार, बढ़िया चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और प्रेशर बिल्कुल ओके है अभी। इसलिए भाई वो जो तुम लोग बोलते हो ऑयल वाला वीडियो वो नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अभी ऑयल की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर मुझे लगा कि ऑयल की ज़रूरत है, कल चला के देखूंगा साफ़ करने के बाद, अगर लगा कि ऑयल की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर उससे वीडियो बनाऊंगा और जल्दी बनाऊंगा। एक और चीज़ बताना था कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो फैट बाइक उसमें MT-200 का लगा लूँ हाइड्रोलिक वाला, क्योंकि मुझे लगता है इसके ब्रेक्स बहुत ही घटिया हो गए भाई,
क्योंकि उसको तो पहले डिस्क पैड उसका खत्म हो गया, ये बात है। और उसके ब्रेक्स उतने पावरफुल भी नहीं है कि वो एक फैट बाइक को उठा ले। पहले टायर लेना चाहिए था फैट बाइक का, लेकिन अभी नहीं लेंगे वो। और एक और बात, ये जो मेरा फैट बाइक है, ये फैट बाइक वो MTV इमरान भाई भी चलाते हैं मतलब मेरा वाला नहीं चलाते, वो अपना वाला चलाते हैं। तो भाई ये हरक्यूली स्टॉप गियर है, और बस इमरान भाई का हैंडल बार अलग है, उन्होंने अलग से लगवाया होगा या फिर उसको मॉडिफिकेशन वो करते रहते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। और मेरे वाले पे तो नॉर्मल जैसा आता है वैसा ही है। मैं लगाने का सोच रहा हूँ क्योंकि उस पर बढ़िया स्टंट हो सकता है उसके बाद। मैंने जर्नी का ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इस बार मुझे लगा कि जर्नी का वीडियो देख के क्या ही कर लोगे, वैसे भी उसको कोई देखता नहीं है वो तो भाई तुम लोग तो मुझे पता है कि क्या देखना चाहते हो, ऑफ रोडिंग देखना चाहते हो तुम लोग, तो जल्दी करेंगे ऑफ रोडिंग। और मुझे लगता है इस बार तो मुझे मट पे डालना पड़ेगा, मतलब कीचड़ में उतारना पड़ेगा, क्योंकि अभी मतलब बारिश का सीज़न है, समझ रहे हो ना, स्टॉर्म को डालना पड़ेगा अभी। मेरा छोटा सा रूम अकेले का, आज से ये मेरा ही हुआ, और देख सकते हो ये मस्त लगता है यहाँ पे, डायमंड जैसा लगता है। अरे डायमंड नहीं है, मैं गरीब हूँ ठीक है। और आज तो मैं सो ही जाता हूँ, नहीं सोऊंगा वैसे, झूठ बोल रहा हूँ, अभी मैं सोने नहीं वाला हूँ। मैं अभी एडिटिंग कर लूँगा इस वीडियो को जल्दी से, क्योंकि मुझे ये कल डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला है इंस्टाग्राम पे कि आज से, इंस्टाग्राम में नहीं वो तो यूट्यूब पे था, यूट्यूब पे ही बोला है कि मैं कल से रेगुलर डालूंगा वीडियोस। तो चलो एडिटिंग कर लेते हैं और अपलोड भी कर देते कर दिया होगा अब तक।